देखो बेसिकली तो मैं लैपटॉप का वीडियो प्रोवाइड नहीं करता हूँ, फिर भी बहुत रिक्वेस्ट है इसलिए एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये लैपटॉप का ओनर का ही वीडियो है, उसके लिए ही है, इसलिए मुझे प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो वो भी काम करते थोड़ा बहुत, तो उनको भी देखना है इसीलिए, क्योंकि सेटअप पे बैठ कर वो देख नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम टाइमली मैं काम करता हूँ 11 बजे, रात 11 बजे से स्टार्ट करता हूँ, तो घर पे उतनी रात को तो किसी को अलाउड नहीं है इसलिए। तो देखो अभी क्या है, ये एक आई बॉल का कॉम बुक है, देख सकते हो ये है कॉम बुक। तो इस लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या होता है, तो सिंपल एक प्रॉब्लम है जो मैक्सिमली होता है। तो ये जो कीबोर्ड देख रहे हो आप, तो ये कीबोर्ड प्रेस करने से, पावर बटन प्रेस करने से ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ फेस हो रहा है, तो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड को चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जो मॉडल है, ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इसका कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं पर भी मिल रहा है पर प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो जिसका मिल नहीं रहा है कीबोर्ड, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये एक जुगाड़ है, M500 है इसका मॉडल नंबर। तो देखो ये खोल के रखा है, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए, तो मैं दिखाता हूँ इसका क्या इशू है। तो अभी देखो DC में चला जाते हैं पहले, तो ये देखो एक सेकंड देख लो, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका कीबोर्ड ख़राब है या फिर बोर्ड में कुछ और इशू है। तो आपको उससे कुछ उसके लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए। तो ये देखो पावर सप्लाई पे देखो, आप फॉलो करो एक चीज़, ये मैं ये देखो ये जो है प्लग इन कर रहा हूँ, ये देखो अभी, और पावर सप्लाई पे भी देखो, ये देखो ये मैंने प्लग इन कर दिया, तो कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, ये 0.034 34 एम्पेयर, 39 0.039 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो ये बोर्ड परफेक्टली रन करने के लिए रेडी है। तो अभी कीबोर्ड प्रेस करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, कीबोर्ड अगर आप प्रेस करें तो ये देख सकते हो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर लूज़ हुआ है एक सेकेंड, ये देखो ये कीबोर्ड अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी एम्पेयर का मतलब वेरिएशन हो नहीं रहा है, लोड हाई या लो फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सोच लेना चाहिए आपका कीबोर्ड ज़्यादातर 80% 100% में 80% आपका कीबोर्ड ख़राब हो सकता है या फिर हो चुका है, और 20% कुछ अलग प्रॉब्लम की वजह से आपका प्रॉब्लम हो सकता है लैपटॉप में, हर वक्त ये नहीं कि कीबोर्ड ही ख़राब है। तो थोड़ा सा पॉज करके मैं इसे खोल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो पहले किसी ने यहाँ पर कार्रवाई किया है, तो ये कीबोर्ड जो है ये काट कुट के सारा कुछ अप्लाई किया है, पर यहाँ पर आपको बस यही फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसका जो है सिमेटिक नहीं मिलेगा आपको, पर आपको ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा पिन से ये टर्न ऑन होता है, ठीक है, पावर ऑन होता है। तो यही बस दिखाना है, और कैसे इसे सॉल्व करना है वो मैं क्लियरली बता दूंगा। ये वीडियो देखेंगे तो उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा कीबोर्ड पावर का जो कोई भी लैपटॉप आए आपके पास, और अगर उसका कीबोर्ड आप मार्केट में मिल नहीं रहा है तो फिर आप कर सकते हो इजीली, और अगर कीबोर्ड मिल रहा है तो इतना झमेला करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खामखा कीबोर्ड का प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, करीब 5000 के अंदर ही, 500 के अंदर, सॉरी 500 के अंदर ही होता है इसका कीबोर्ड का प्राइस कंफर्टेबल। तो इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका कीबोर्ड मिल नहीं रहा है, तो मुझे बाय फोर्स ये करना पड़ रहा है, नहीं तो कीबोर्ड इसका चेंज कर देते। तो देखो अभी क्या है, आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, क्लियर देख लो आप समझ जाओगे। तो पहले आपको देख लेना है, ये लैपटॉप मैंने खोल के रखा है, अभी ऐसे खोल के रखता हूँ, ऐसे खोल के रखता हूँ। ये लैपटॉप का वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बार बार DC में जाना पड़ता है और इधर लाना पड़ता है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं ये अवॉइड करता हूँ। देखो अभी मैंने इसका DC डाल दिया, ये देखो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, क्लियर देख सकते हो। अभी क्या है कि मुझे उधर लेना पड़ेगा, तो अभी एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, तो अभी इधर आके देखो थोड़ा सा, तो कैसे दिखाऊं यार, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ तो फिर अच्छे से दिख जाएगा। तो अभी देखो एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और एक चीज़ जो है दिखाना,
ये हटा देता हूँ, ये कीबोर्ड तो कोई काम का नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, अब मल्टीमीटर भी चाहिए, ये मल्टीमीटर आपको मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, ठीक है। और एक मैं चीज़ छोटा सा सजेशन देता हूँ सबके लिए, अगर आप किसी भी लैपटॉप का पीसीबी पे काम कर रहे हो तो आप ये जो ट्वीज़र है, ट्वीज़र से जो भी लैपटॉप हो पावर बटन को शॉर्ट करके ऑन मत करना, ठीक है। और इसके पीछे लॉजिक है, अगर देखता हूँ अगर वीडियो कंटिन्यू होगा लैपटॉप का तो बना दूंगा, ठीक है। तो क्यों ऐसा करना पड़ता है, तो क्या करना है आपको लैपटॉप को ऑन करने के लिए, सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी मोड पे लेना है, ये देखो कंटिन्यूटी मोड पे आपको डालना है, और ये देखो कंटिन्यूटी दे रहा है, और ये जो पॉजिटिव प्रॉब है इसको आपको ग्राउंड करना है, ठीक है। कहीं पर भी ग्राउंड करना है, मदरबोर्ड पे, यूएसबी पे करो, वीजीए पे करो, या फिर यहाँ पर कहीं भी ग्राउंड करो। और पावर स्विच कहाँ पर है आपको एक एक करके टच करके देखना, बाय डिफॉल्ट दोनों साइड के एक साइड में ही होता है। तो अभी ये जो है इसको मैंने फाइंड आउट करके रखा है, तो आपको भी ऐसे फाइंड आउट करना है। तो ये राइट साइड से अगर पकड़े तो 1 2 3 4 नंबर पिन में इसका पी एस ऑन है, और 3 नंबर पिन इसका ग्राउंडेड है। तो ये देखो 4 नंबर पिन पे मैंने लगाया, और यहाँ पर देखो डीसी, देखो ये देखो ऑन हो गया लैपटॉप, ठीक है। एक सेकेंड, मैं लैपटॉप को उठाता हूँ, ऑन होकर ऑफ हुआ है, ऑन हो जाएगा, एक सेकेंड। आप डीसी पे फॉलो करते जाओ, और डीसी पे फॉलो करते जाओ, एक सेकेंड, कुछ बीत चुका है। ये देखो लैपटॉप ऑन हो चुका है, ठीक है। एक सेकेंड, एक चीज गिर गया है, क्या गिर गया है ये, तो मिलेगा। एक सेकेंड साथ में रहो, एक सेकेंड। तो देखो फिर से मैं ऑन करता हूँ, ये जो जैक है ये लूज़ हो चुका था इसलिए ऑफ हो गया। तो अभी देखो 1 2 3 4, आपको बस एक एक करके ऐसे काउंट कर लेना है, ऐसे ऐसे करके एक एक को लगा के देखना है कौन सा पिन में ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखा कि ये 4 नंबर पिन से ये ऑन होता है, ठीक है। एक सेकेंड लगा नहीं, ये 4 नंबर पिन से ये ऑन हो गया, ठीक है। तो डीसी पे चला जाते हैं, ये देखो ये ऑन हो चुका है, ठीक है। लैपटॉप लैपटॉप पे भी दिखा देते हैं ऑन हुआ कि नहीं। ये बार बार उठाने जा रहा हूँ तो ये जैक लूज हो रहा है, ठीक है, और ये पावर छोड़ रहा है। तो ठीक है, ऐसे रख के मैं करता हूँ, आप डीसी पे फॉलो करो, और मैं यहाँ पर टिगर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मुश्किल होता है वीडियो बनाना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। हुआ ऑन, ऑन हुआ, तो फिर से ये ऑफ हो गया, एक सेकेंड, फिर से ऑन हुआ, अब आ गया, अब प्रॉपरली ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये जैक में जो डीसी पावर सप्लाई का कनेक्टर जो है ये लूज हो रहा है, तो बार बार मैं कैमरा घुमा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। तो अभी ऑन हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो लोगो आ चुका है, ये देखो। तो बार बार ऑफ ऑन हुआ है इसलिए ये रिपेयर ले रहा है। तो ऐसे ऑन हो गया, अब कैसे करना है ये स्विच को मैं सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑन हो चुका है, खुल जाएगा, अभी वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, चल रहा है अभी भी, ये देखो अभी खुल जाएगा। वेट करो थोड़ा सा, थोड़ा सा, तो ये देखो अभी इसका जो पीसी है रीस्टार्ट मांग रहा है। तो ये रीस्टार्ट करने से नेक्स्ट टाइम जब खुलेगा तो ओपन हो जाएगा, तो पॉज कर रहा हूँ अभी। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पर, तो कैसे आपको करना है ये मैं सिंपली बता रहा हूँ, आपको बस थोड़ा सा देखना है और फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले तो ये जो हीट सिंक है इसको आप ओपन कर लो, क्योंकि ये रहेगा तो काम करने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गिर चुका है, कुछ गिरा है इस लैपटॉप का, कुछ
प्रोडक्ट वगैरह कंपोनेंट वगैरह या फिर जो भी हो, पर मुझे मिल नहीं रहा है अभी। और एक स्क्रू है, इसे आप रिमूव कर लो। ये हो गया रिमूव, ये हटा दो। अब देखो ये मैंने रिमूव कर लिया। अब आपको करना है कि दिखा रहा हूँ क्या करना है, इसका जो कीबोर्ड कनेक्शन है तो मैं ऐसे नहीं दिख पाओगे आप, मैं दूसरी तरह से दिखाता हूँ, ठीक है। तो दूसरी तरह से दिखाना पड़ेगा मुझे, क्लियर दे जाओ थोड़ा सा। थोड़ा सा होल्ड कर जाओ, मैं सेटअप कर लेता हूँ माइक्रोस्कोप का, नहीं तो नहीं सब। तो देखो सिंपली ये है एक नंबर पिन, ये देखो ये है एक नंबर पिन दिख रहा है, और इसके बाद में है ये दो नंबर, और ये जो तीन नंबर है ये है ग्राउंड, ठीक है। एक इसको आपको ग्राउंड करना है क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी बीप दे रहा है। तो और ये जो चार नंबर पिन है इसको आपको पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। मतलब ये तीन और चार, ये तीन और चार नंबर पिन को अगर आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के पॉजिटिव को ग्राउंड करके फिर टच करेंगे यहाँ पर नेगेटिव दे के ये चार नंबर पिन पे, तो आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ये तीन नंबर पिन और चार नंबर पिन दोनों पे एक वायर जोड़ना है, जम्पर वायर। जोड़ने के बाद आपको एक स्विच करना है, कौन सा स्विच वो आसानी से मिल जाता है क्योंकि वो मॉनिटर का जो ये पैनल होता है नीचे में, ये नीचे में जो पैनल होता है इससे भी मिल जाएगा, बहुत सारा मिलता है और मार्केट में नया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं मोबाइल को सेट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो लाइट का कम्बिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो ये एक सिंपल सा मैंने स्विच जो सीपीयू में जाता है ये एक ले लिया दिखाने के लिए, पर आपको जो करना है, आपको करना है वो मैंने दिखाया जो मॉनिटर का पैनल के नीचे से भी आप स्विच ले सकते हो और वो नया भी परचेस कर सकते हो। स्विच मेरे पास भी है, मैं बाद में यहाँ पर करूँगा, इस यहाँ पर मैं स्विच लगा दूंगा, पर वो दिखाने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। पर सिंपली ये वायर जोड़ के दिखा देता हूँ। आपको करना है ये जम्पर वायर लेना है, दो वायर यहाँ से निकालना है, मैंने दिखाया कौन तीन और चार नंबर पिन से। लेने के बाद एक स्विच पे लगाना है और स्विच पे ये साइड पे स्विच आपको सेट कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी सिंपली मैं ये जो है इसको जम्पर वायर नहीं डालूंगा, पर ये जो स्विच है इसका वायर लगा के दिखाता हूँ कि काम करता है कि नहीं भाई, क्योंकि देखना तो पड़ेगा क्योंकि नहीं तो नहीं समझोगे। एक सेकेंड, ये सेटअप है, अब सेट कर लिया मैंने, बस हो गया। तो मैं क्लियरली दिखा दूंगा कहाँ पर क्या किया, पर पहले मैं कर लेता हूँ, नहीं तो एक हाथ से कैमरा पकड़ के दूसरी हाथ से काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है और क्या करना है। पहले कर लेता हूँ ये जो मैंने वायर बना के रखा है, तो ये चार नंबर पिन पे, ये है चार नंबर पिन, ये है चार नंबर पिन, चार नंबर पिन पे मुझे पॉजिटिव को डाल रहा हूँ, चार नंबर पिन पे डाल दिया, और नेगेटिव को तीन नंबर पिन पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर थ्री पे। तो तीन और चार पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर देता हूँ, सही से लगा नहीं, नहीं तो खुल जाएगा अभी। तो देखो तीन नंबर और चार नंबर पिन पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये थोड़ा सा और लगा देता हूँ नहीं तो ये छोड़ देगा अभी। देखो अभी मैं दिखा देता हूँ क्या किया मैंने सिंपली, एक सेकेंड। तो देखो मैंने क्या किया सिंपली, मैंने जो इसका कहाँ गया ट्विज़र, ये देखो ये जो है ये है इसका तीन नंबर पिन ब्लैक, ये ग्राउंड है, और ये चार नंबर पिन को मैंने रेड वायर को लगा दिया जो कि मेरा है ये स्विच में, जो कि मेरा है ये स्विच में, ये स्विच मैंने बस इस ऐसे वायर देके लगाया यहाँ पर, ये देख सकते हो, ठीक है।
तो ये बहुत मोटा लग रहा है, और ऐसा वायर यहाँ पर नहीं देना है आपको, जम्पर वायर देना है। तो ठीक है, मैं सेट कर लेता हूँ कैमरा। तो अभी देखो, इसको मैं हल्के से उठाता हूँ, क्योंकि ऐसे रखता हूँ, ये रख दिया, ऐसे रहे, ठीक है। ऐसे ऐसे रखने से डिस्प्ले दिखेगा, एक सेकेंड। ये देखो डिस्प्ले अभी दिख रहा है। तो अभी क्या करना है हमको, ये जो स्विच है, अभी डीसी जैक कहाँ है, ये डीसी मैंने लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डीसी लगा दिया, ये देखो डीसी पे चला आता है। ये डीसी मैंने ये इनपुट किया, ठीक है। ये देखो 0.034 mA कंज्यूम कर रहा है। और अभी इधर आ जाओ, तो ये देखो, ये है मेरे पास वो स्विच जो कि पीछे मैंने अभी कनेक्ट किया। तो इसे बस एक बार दबाऊंगा, ठीक है। तो ये एक बार दबा दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लैपटॉप चालू हो गया। ये लैपटॉप चालू हो गया, ठीक है। ये देखो लैपटॉप चालू हो गया, यहाँ पर डिस्प्ले भी आ चुका है, ये ऑफ हो गया। एक सेकेंड, ये बार बार जैक जो है वो बिगड़ रहा है। जब भी यहाँ पर मैं पीछे जा रहा हूँ तब ये डिसकनेक्ट हो जा रहा है। ये देखो चालू हो गया लैपटॉप, ये यहाँ पर आ चुका है कॉम्बुक, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो चल रहा है, विंडोज 10 ओपन हो रहा है, ये नीचे घूम रहा है गोल गोल करके, ये देखो घूम रहा है, ठीक है। तो आपको बस करना है, यहाँ पर छोटा सा एक स्विच लेना है और जम्पर वगैरह डालना है। डालने के बाद इसको अच्छे से स्विच को फिक्स करना है यहाँ पर, शोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा यहाँ पर होल कर लेना है। उसके बाद ये स्विच को फिक्स कर देना है, और आपको यूज़ करना है ये जंपर वायर, ठीक है। ये जंपर वायर इजीली आप यूज़ करके थोड़ा सा डेंडाइट डाल दो तो ये आराम से रह जाएगा। तो देखो लैपटॉप मेरा ऑन हो चुका है, लैपटॉप ओपन हो चुका है ऑलरेडी, ये देख सकते हो। ये देखो लैपटॉप ओपन हो चुका है, एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है, ये खुल चुका है। तो अभी एम्पेयर भी कंज्यूम कर रहा है, करीब 0.473 mA कंज्यूम कर रहा है। तो बिंदास चल रहा है। तो ऐसे अगर कर दोगे तो कीबोर्ड अगर मार्केट में ना मिले तो भी आपका लैपटॉप रेडी हो जाएगा। तो सिंपल से ठीक मैंने दिखा दिया, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और कुछ नया सीखे हो तो भी एक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। लव यू ऑल, जय हिंद।